अस्सलाम वालेकुम। हम सुबह में ओनियन उत्तपा बनाने जा रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए मैंने देखिए एक कटोरी मैंने माश की दाल ली है, उड़द की दाल जिसे कहते हैं महाराष्ट्र में, माश की दाल एक कप मैंने ली है और 2 कप मैंने उसमें चावल डाले हैं और उनको साफ अच्छे से धो लिया है 3 पानी से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर 1 से 2-3 गिलास पानी डालकर हम इसको भिगने के लिए रख देंगे रात भर, और सुबह में हम इससे उत्तपा बनाएंगे। उसका आपको प्रोसीजर पूरा सुबह में दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमने रात भर माश की दाल और चावल भिगो कर रखे थे, इसको हमने निथार लिया है। अब हम इसको मोटा मोटा पीस लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो ये चम्मच से 1-2 चम्मच पानी डालेंगे, उसका ही पानी जो रात को भिगा हुआ है वही इस्तेमाल करेंगे। इसमें डालने के लिए मैंने सामान लिया है, ये देखिए काली मिर्ची पीसी हुई 1 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच नमक हमने लिया है और 1/2 चम्मच काली मिर्ची अक्खी लिए, पीसते वक्त डालने से फ्लेवर आता है। 2 हरी मिर्ची कोथमीर के क्यूब मैंने लिए हैं, अभी कोथमीर मैंने मंगाई हूँ, अगर मिलेगी तो हम ऊपर से जब फ्राई करने के पहले जो डालते हैं ना उसमें हम डालेंगे मसाले में टॉपिंग में। उसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटे लिए हैं, जिसको टमाटर पसंद है उसको टमाटर डालेंगे, जिसको नहीं पसंद है उसको नहीं डालेंगे। और ये उत्तपा का मसाला हम तैयार कर लेते हैं। मैं इसको पीस लूँगी, मोटा मोटा थोड़ा हमको पीसना है, दरदरा, बहुत बारीक पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा पीसना है और उसके अंदर फिर हम ये मसाले वगैरह डालकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हम इसमें डालेंगे चावल और माश की दाल, और इसमें ये सब सामान जो है ना हमारा ये हम डाल देते हैं, नमक हल्दी काली मिर्ची, अगर आपको गरम मसाला वगैरह पसंद है तो आप वो भी उसमें डाल सकते हैं। और इसको हम मोटा मोटा पीसेंगे, अगर हमको लगे तो हम इसमें 1 से 2 चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे भिगाया हुआ। देखिए प्याज मैंने चॉप कर ली है, टमाटर चॉप कर लिया है और कोथमीर को भी बारीक काट लिया है। ये मैंने थोड़ा सा 1/2 चम्मच नमक और काली मिर्ची ली हूँ ऊपर से डालने के लिए उत्तपा तैयार होते वक्त। और ये जो पेस्ट है ये देखिए इस तरह से हमारा पेस्ट तैयार हुआ है माश की दाल और चावल का। इसमें सब मसाला वगैरह हमने डाले थे, सिर्फ ये हरी मिर्ची मैंने तब नहीं डाली थी क्योंकि काली पड़ती है बनाते टाइम डालने के लिए, मैंने नहीं डाली थी। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। ये जो हरी मिर्ची की चटनी है ये हम इसमें डाल के मिक्स करेंगे। इसमें हम आधी प्याज डालेंगे, आधी प्याज है ना हम उत्तपा पे ऊपर से डालने के लिए रखेंगे। इन 2 प्याज की गड्डियां हमने काटे थे उसमें से 1 हम अंदर डालेंगे और 1 बाद में ऊपर से सजाने के लिए। इसमें से आधी कोथमीर हम इसमें डाल देंगे। मैंने पहले भी उत्तपा की रेसिपी दिखाई हूँ, अगर आप मेरे चैनल में पीछे सर्च करें तो और एक बार आपको ओनियन उत्तपा की रेसिपी दिखाई देगी। इसके साथ ही हम इसमें से ना थोड़े से टमाटर भी, 2 टमाटे मैंने चॉप किए हैं, 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें टमाटर डालेंगे। रस को अवॉइड करें, रस को रहने दें, कोई और रेसिपी में यूज़ करें तो ये पतला हो जाएगा। जब आप उत्तपा बनाने के बाद ऊपर से भी डालेंगे ना तो टमाटर ही डालें, रस ना डालें। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको मिला लिया है, थोड़ा सा जब यूज़ हो जाएगा ना तो हम ये बचा हुआ भी इसमें एडजस्ट कर लेंगे, डाल देंगे। तो चलिए उत्तपा बनाते हैं, गैस सिलगा कर फिर हम उत्तपा बना कर दिखाते हैं। ये देखिए हमने तवा को गर्म होने के लिए रख दिया, इसमें तेल भी डाल दिया है, अब इसके अंदर हम उत्तपा बनाएंगे। पहला आँच को हमने तेज़ रखना है और अपने साइज
के हिसाब से बनाइए, जितना आपको चाहिए उतना बड़ा उसको ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर आप अगर चाहें तो आपको प्याज चाहिए, टोमेटो चाहिए, जो टॉपिंग चाहिए आप इसके ऊपर डाल दें। कुटनी थोड़ी सी, जो भी आपको चाहिए आप इसके ऊपर टॉपिंग डाल सकते हैं बिना डाले भी। थोड़े से टमाटर मैंने डाले हैं, उसके बाद ये देखो ये जो काली मिर्ची और नमक मैंने रखा था थोड़ा सा मिक्स करके, इसको हम हाथ से चुटकी की मदद से थोड़ा थोड़ा ऊपर टॉपिंग पर डालेंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास चाट मसाला है या गरम मसाला आप चाहे तो वो भी इस पर डाल सकते हैं। एक साइड से हम इसको अच्छे से देखिए 2-3 मिनट पकाएंगे। ये देखिए किस तरह से हो गया है, ये पूरी अच्छी तरह से तैयार हो गया। अब हम इसको पलट देंगे, तेल का इस्तेमाल हमको कम करना है। देखिए पलट दिया है मैंने, इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से होने देंगे। अगर आपको लगे कि तेल कम है तो आप थोड़ा सा तेल डालकर उसको होने दें और फिर उसके बाद हिलाएं। ज़्यादातर स्क्रैच और नॉन स्टिक तवा लें ताकि अच्छी तरह से हो। दूसरी बार हिलाने के लिए जल्दी ना करें क्योंकि दोनों साइड से हमको इसको अच्छे से पकाना है। इसको अच्छे से पकने देंगे और फिर उसके बाद हम इसको पलटाएंगे। देखिए दूसरी साइड से हम इसको ऐसा से पलट देंगे। ये देखिए कितना यम्मी टेस्टी हमारा उन्हें तपा तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह मेरे तरीके से बनाइए, दोनों साइड से बहुत अच्छी तरीके से किए, अपने बच्चों और घर वालों को खिलाइए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इस तरह की नई नई रेसिपीज़ जानने के लिए ज़रूर टैग करें मुझे बनाकर इस तरह की रेसिपीज़। अल्लाह हाफिज़।